Hello everyone and welcome back to our channel Applied Forensic Research and Sciences. आज AFRS आपके लिए एक और practical experiment लेकर आया है. ये हमारा second experiment होने वाला है और इसमें हम आपको fingerprints के बारे में बताएंगे. ये experiment आपके लिए लेकर आए हैं हमारे दो volunteers शिवानी एंड दीक्षा. We hope you like. The aim of this practical experiment is to develop and identify latent fingerprints using non-conventional methods. The materials that we are using in this practical video are makeup brush, powders like haldi powder, coffee powder and sindoor, which are easily available, glass, object for the sample purpose. Then we use tape, scissor, fingerprint card की जगह हम paper use करेंगे, black paper and white paper. Fingerprint pattern से arch, loop and whorl pattern. So arch subdivided है दो में, जो कि है plain arch and tented arch. Loop pattern which is divided into two, radial loop, ulnar loop. Whorl pattern which is divided into three, that is plain whorl, central pocket and twin loop. This is combined in whorl pattern, and one is accidental pattern which is the mixture of two or three patterns. So ye classification hum use karenge jab hum identify karenge hamare fingerprint ko, aur hamara database isko identify kar sakta hai jab hum usko comparison ke liye bhejte hain fingerprint ko. So these are some important things jo hame dhyan rakhni hai. Basically jab hum develop karte hain to fingerprints ka ye cheeze hame bahut dhyan rakhni hoti hai. Aur जैसे भी अब हम आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे हमें करना है कैसे नहीं करना है. फिंगरप्रिंट को डेवलप करते टाइम हमें सबसे पहला काम करना है ग्लव्स वेयर करने हैं. एवरी टाइम अगर हम कहीं भी क्राइम सीन पे हैं और कोई भी चीज़ को टच करने से पहले हमें ग्लव्स पहनने हैं, ताकि हम अपने एविडेंस की क्रेडिबिलिटी ख़राब ना करें, अपने एविडेंस को ख़राब ना करें, वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि आगे जाके मे बी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्लास है, तो हमें ग्लास को बाहर से होल्ड नहीं करना, क्योंकि बाहर फिंगरप्रिंट प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हमें इसको अंदर से होल्ड करना है. हमें 45 डिग्री ऑफ एंगल पे रख के ग्लास को पहले देखना है कि क्या हमें कोई फिंगरप्रिंट विजिबल है. देन हमें फिंगरप्रिंट पाउडर लेना है, बहुत ही कम रेशो में लेना है. मतलब हमें बहुत ज़्यादा ब्रश को पाउडर में इतना डिप नहीं करना है कि वो पूरा पाउडर से फैल जाए. हमें फिंगरप्रिंट पाउडर को ब्रश के अंदर लगा के थोड़ा डैब करके उस पाउडर को, एक्सेसिव पाउडर को निकाल देना. उसके बाद हम पूरे ऑब्जेक्ट पे पाउडर को डैब करके ब्रश से लगाएंगे, और स्लोली जैसे हमें पता चलेगा कि हमारे फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं, धीरे धीरे हमें दिखने लग जाएंगे. उसके बाद हम आराम आराम से सारे फिंगरप्रिंट डेवलप करेंगे. डेवलप करने के बाद जो एक्सेसिव पाउडर है हम वहाँ से निकाल देंगे. उसको निकालने के बाद उसके बाद हम अपना टेप का प्रोसीजर आगे यूज़ करेंगे फिंगरप्रिंट को लिफ्ट करने के लिए. जो फिंगरप्रिंट्स हमने डेवलप किए वो हैं ये, जो इजीली विजिबल होंगे. अब इनको डेवलप करने के लिए हम टेप यूज़ करेंगे, ताकि हम लिफ्ट करके इनको फिंगरप्रिंट कार्ड पे पेस्ट कर सकें, ताकि इसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें फिंगरप्रिंट की, फिंगरप्रिंट पैटर्न्स की. तो फिंगरप्रिंट को लिफ्ट करने के लिए हमें बेसिकली इस टाइप से इसको होल्ड करना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी फ्रिक्शन रिजेस को ख़राब ना करें, अपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करें. तो हमें किसी एक और आदमी की हेल्प चाहिए होगी. तो आई एम जस्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई सिस्टर. सो शी विल होल्ड द ग्लास लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू पुट द फिंगरप्रिंट. डेवलप करते टाइम हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जब भी हम टेप रिमूव करेंगे तो हमें वन गो में उसको निकालना है. हमें लाइक स्लो 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 ऐसा नहीं करना, एक ही गो में हमें उस टेप को निकालना है, जस्ट लाइक ऐसे, ताकि कोई भी यहाँ पे निशान ना रहे और हमारे फ्रिक्शन रिजेस को ख़राब ना करे. इसको हम कट करेंगे इतने ही एंगल पे. तो कुछ ऐसे हमें टेप को पकड़ना है. इसको हम एक साइड पेस्ट करेंगे, जहाँ से हमें फिंगरप्रिंट डेवलप करना है, एक साइड लॉन्ग. और स्लाइटली
इसको विदाउट हैविंग एयर बबल्स इसको प्रेस कर देंगे। ऐसे कुछ ऐसे, फिर जिस साइड से हमने इसको पेस्ट किया था टाइटली इसको होल्ड करना है ताकि डिस्ट्रॉय ना हो, तो वन गो में इसको हमें निकालना है। हमारा फिंगरप्रिंट इस पे आ चुका है, फिर हम इसको फिंगरप्रिंट कार्ड पे पेस्ट करके विजिबिलिटी देख सकते हैं। डेवलप करने के बाद फिंगरप्रिंट्स हमारे कुछ ऐसे दिखेंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे कहीं शो हो जाएगी। आप इसको हल्दी पाउडर से, कॉफ़ी पाउडर से, या जो भी घर पे आपके अवेलेबल पाउडर है, टेलकम पाउडर से डेवलप कर सकते हैं ईजिली। जो ऑफिशियली पाउडर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक पाउडर, फ्लोरोसेंट ब्लू पाउडर, ब्लैक पाउडर, तो उनसे जो फिंगरप्रिंट्स हमें डेवलप होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सो दिस इज़ द कार्ड। सो दीज आर आर रिजल्ट्स। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ कर हर एक फिंगरप्रिंट को ध्यान से देखा और उन्हें पैटर्न से मैच किया, तो जो फिंगरप्रिंट हमने वर्मिलियन यानी कि सिंदूर को यूज़ कर डेवलप किया है उसमें हमें एक लूप पैटर्न मिला है, और जो फिंगरप्रिंट हमने कॉफ़ी पाउडर को यूज़ कर डेवलप किया है उसमें हमें एक वर्ल पैटर्न मिला है। इसीलिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हैं सैम्पल वन के लिए लूप पैटर्न और सैम्पल टू के लिए वर्ल पैटर्न। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप लोग भी अपने फिंगरप्रिंट्स को घर बैठे डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, और अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सजेस्ट करें कि हमें किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट बनाना चाहिए। और फिंगरप्रिंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी होप आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने के लिए और फोरेंसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल अप्लाइड फोरेंसिक रिसर्च साइंसेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी जाकर हमें कॉन्टैक्ट करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।